स्वागत है आपका यश न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। बीजापुर के एक सबसे शांत स्वभाव वाले मोहल्ले से एक इंसिडेंट हुआ है, जहां हर दूसरे दिन कोई ना कोई गाड़ी पे गिर रहा है। एक रिसेंटली न्यूज में भी आया था, एक अंधेरे में जो है नहीं बाइक वाला गिरने के बाद में हेड इंजरी वगैरह हुई है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस नेग्लिजेंसी या एक सरकार की जो एक नाकामयाबी है उसके बारे में कोई बात करे। एक ऐसा ही इंसिडेंट हमारे घर में होने के बाद में हम लोग पुलिस स्टेशन तक जो है आकर हम लोग कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि पुलिस वाले इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। बीजापुर में एक बहुत आम मसला चल रहा है, रोड रिपेयर या रोड बनाने वाला या यूजीडी का काम करने वाला। अगर आप मुसलमान मोहल्लों में हैं तो आपको एक साल डेढ़ साल लगेगा आपके मोहल्ले में रोड बनने के लिए। तब तक अगर 150 लोग गिर रहे हैं, उनको कुछ भी हादसा हो रहा है उनके साथ में, तो आपके आवाज सुनने वाले भी कोई नहीं है। 22 तारीख को शाम में माँ बेटा मिलकर गाड़ी पे जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं, अपने घर से गिरने जाने के लिए कुछ काम से निकले हैं, लेकिन गाड़ी जो है बारिश की वजह से स्किड होती है। बीजापुर के हर बच्चे को मालूम है नौबाद की मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी है, वहां पे अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो गाड़ियां गिर जाती हैं। लेकिन ये पिछले एक साल से एक वहां पे रोड का काम चल रहा है, स्टार हॉल के पास जो है ना रोड का काम चल रहा है, वो यूजीडी का वर्क है या रोड बनाने का काम है। एक साल से जो है ना वो रोड का काम नहीं हो रहा, उसके वजह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन होके 2 साल हुआ, एमएलए 10 साल में जो है ना मलेशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों के मोहल्ले में आने के बाद में उनका व्यू बदल जाता। क्यों व्यू बदल जाता? कि मुसलमानों के मोहल्ले में जो है ना कौन पूछने वाले नहीं, इनके बारे में कौन भी अगर कोई तकलीफ है तो बताने वाले भी कोई नहीं है। मैं अफसोस जाहिर करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं नौबा के मोहल्ले के लोगों का। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा सब्र दिया है, आपके घर वाले भी अगर रोज वहां पे गाड़ी पर गिर के आ रहे हैं लेकिन आप बोलने की हिम्मत नहीं करते, ये बहुत बड़ी आपकी फखर की बात है आपके लिए, क्योंकि आपके घर में जो है ना जब तक बड़ा हादसा नहीं होता तब तक आप इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले नहीं, ये प्रूव हो रहा। और एक चीज, ये कौन से भी अगर आप कॉरपोरेशन की लिमिट में काम हो रहा है तो उसका एक टेन्योर रहता, आप एज पर लॉ भी अगर उसके देखेंगे तो कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए एक वक्त दिया जाता, लेकिन वो वक्त से ज्यादा जो है ना यहाँ पे काम डिले हो रहा। वहां पे सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, सबसे ज्यादा स्कूल्स हैं, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज्यादा मस्जिद भी हैं। वहां पे एक कब्रिस्तान, जो बीजापुर का सबसे अजीम कब्रिस्तान जो हम मानते हैं, वहां पे मैयत भी अगर हम लेके जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से लेके जा रहे हैं क्योंकि वहां पे रोड का काम चल रहा। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद भी कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है, एक वो ए ग्रेड की कॉलेज है, वहां पे पानी जमा हो रहा था, वहां से जो है नी ड्रेन आउट करने के लिए प्रॉब्लम थी, तो वहां पे 4 फीट 5 फीट की डेप्थ से जो है नी रोड को खोदा गया है, वो रोड की जो पानी खड़ा हो रहा था उसे निकालने के लिए। मुझे ताजुब हो रहा, बीजापुर में ऐसी कौन सी रोड है मुझे मालूम नहीं जो 4 फीट 5 फीट डेप्थ खोद कर जो है नी रोड बनाई जा रही, कभी नहीं किए। लेकिन एक कॉलेज के वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किया है, लेकिन उसके वजह से जो है ना हजारों घरों को तकलीफ हो रही, लेकिन हमें किसी को भी कुछ उसका दर्द नहीं हो रहा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे 24/7 जैन का काम, आप देखिए 3 फीट की रोड पे जो है ना उनका मेन लाइन जो है, मेन लाइन का जो काम करें वो ऊपर है, अभी उन्होंने शिफ्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो 24/7 का काम करना था वो भी सही से नहीं करें। उसके बाद में सबसे एक वर्स्ट पार्ट क्या है, कॉरपोरेशन की इतनी नेग्लिजेंसी है, आप हर दूसरे दिन इंसिडेंट होता है, हर दूसरे दिन जो है ना डीसी साहब आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आकर जो है ना ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। इसका सोल्यूशन क्या है, अगर वहां पे अगर आपका काम नहीं हो रहा, फास्ट काम नहीं हो रहा, तो आप जो है ना वहां पे गरस वगैरह डालो, एटलीस्ट उसे लोगों को चलने फिरने के लिए रास्ता करो। आप चिकनी मिट्टी पे कितना भी बेहतरीन अगर आप स्किल का ड्राइवर अगर लाएंगे तो वहां पे गिरना है, गिर कर हादसे हो रहे हैं। अभी हमारे चाची का इंसिडेंट हुआ है, हेड इंजरी हुई, इंटरनल ब्लीडिंग भी, इसका कंपेंसेशन इसके जो तकलीफ है वो कौन देखने वाले, कौन भी नहीं देखने वाले। क्यों नहीं देखने वाले, क्यों बोले तो इसके बारे में कौन भी बोलने वाले नहीं। मैं सीधा ये पिटीशन में हमें फाइल कर रही हूं, हमें पुलिस स्टेशन तक तो आई, पुलिस स्टेशन में हमें पिटीशन दी, देखेंगे सीपीएस साहब तो अश्योर कर रहे हैं, हमें एसपी ऑफिस को जो है ये देते हैं, फिर कॉरपोरेशन को नोटिस सर्व करते हैं, डीसी साहब की भी नजर में लाते हैं, हमें इसके बाद में जो है नी पीआर भी डालने की कोशिश करते हैं। ये एक मामला जो है नी काफी है लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग सोए तो उन्हें उठते हैं,
जो सोनी की एक्टिंग कर रहे हैं उनको हमें लात मारे तो भी हम उठने वाले नहीं है। ये सारे मामले जो है नहीं, किसकी फेलियर है? कॉरपोरेशन, कॉरपोरेटर्स, एमएलए, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, मिनिस्टर, हमें सब जनी जो है ना सबके घर तक जाते हैं, जाको हमें बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में जो है ना सीरियसली एक्शन लेने के मूड में नहीं है। हमें भी एक दिन दो दिन देखते हैं, अगर ये जो रोड का काम कर रहे हैं अगर उन्होंने सही से नहीं करे तो वो चेन्नई रोड जो है आलमगीर के पास की ये करें, बस स्टैंड की कनेक्टिविटी के वास्ते वो रोड हम ही खोते हैं, अगर वो रोड रिपेयर करने आए तो ये भी रोड रिपेयर करना हो, ये रोड पर भी जो है ना लोगों को जो तकलीफ हो रही वो रोड पर भी हम दे। जब तक हमना जो तकलीफ है हमें नहीं बताते तब तक लोग शायद नहीं सुनते हमारी तकलीफ को, हमारी तकलीफ का जो है क्या भी परियार नहीं निकलेंगे। एक उसूल है, अगर बच्चा भी जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। अब हमें रोने की हालत नहीं है, क्यों बोलेगा तो एक पेशेंट तुम्हारे घर में हेड इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, अगर उसे मेजर सर्जरी की अगर प्रॉब्लम आ रही तो ये सीधा सीधा जो है ना कॉरपोरेशन की नेग्लिजेंसी की वजह से एक इंसिडेंट हुए, इसकी वजह से शायद इससे बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। इससे बड़े हादसे होने से पहले हमें लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, हमें जो है ना एक आवाज उठाना चाह रहे हैं कि ये जो काम इतना डिले हो रहा है इसकी वजह क्या है, जो लोग इसकी वजह से तकलीफ उठाएं जिनके हादसे हुए उनको कंपनसेशन होना, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर इतना लेटली काम कर रहा उसके ऊपर एक सीरियस एक्शन होना, उसे ब्लैकलिस्ट करना, ये एक हमारी अपील है। हमें पुलिस स्टेशन में एक पिटीशन देनी आई, देखना है कि अगर पुलिस वाले को नजर में ये एक क्राइम है इनके अगेंस्ट एफआईआर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं बोले तो हमारे वास्ते कोर्ट है, कोर्ट में हमें जिस तरीके से इसके खिलाफ एक्शन लेना है हमें लेते हैं। आए दिन वहाँ पर बहुत सारे एक ही घटना नहीं होती, बहुत सारे घटनाएं हो चुके हैं, काफी सारे लोग वहाँ पर पैर भी तोड़ ले चुके हैं, सर फोड़ ले चुके हैं, तो हमारे माध्यम के जरिए भी देखे हमने काफी सारे वहाँ पर घटनाएं। नहीं, आप मीडिया वाला का बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, एटलीस्ट आप जो है नहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों की होप है, बाकी के तो कॉरपोरेशन, कॉर्पोरेटर्स या मेयर या एमएलए इन्हों तो हमारी कोई भी सुनते नहीं, और जैसा आप बताए वहाँ हर दूसरे दिन गिरते हैं, आप दिन में आप यकीन मानो अगर वहाँ पे अगर किसी को वहाँ पे काउंट करने वास्ते खड़ा करें तो दिन में 10 लोग गिरते हैं, लेकिन कोई भी जो है ना इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, क्यों बोलेगा तो ठीक है लोग गिरे हमारे ऊपर क्या ज्यादा मेजर ये नहीं हुआ, हमें तकलीफ नहीं हुई, इसके बारे में खामोश होते हैं। वो बच्चे का जो सर फूटा, परसों इकला गिरा, एक बच्चा गिरा, तो वो लोग भी जो है ना शायद पुलिस स्टेशन तक भी अगर आते थे नहीं तो शायद इनके ऊपर एफआईआर होता था, इसके बाद में शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सीरियसली हो को ये मामले में काम करती थी। ऑब्वियसली आप मुसलमान मोहल्ले में हैं और एमएलए का जो है ना एक खाब था मुसलमानों को तकलीफ देने का, उसके बारे में उन्होंने जो है ना ये काम डिले करा रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि हम एक ऐसी सरकार में अपने आप को मुसलमाना सेफ समझते थे, वो मुसलमानों को तकलीफ हो रही तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके ना तो इंचार्ज मिनिस्टर पूछ रहे ना तो दूसरे लीडर्स आगे जो है ना ये मसले का हल कर रहे। वहाँ पे तुम यकीन मानो वहाँ सिविल हॉस्पिटल से निकलने के लिए प्रेग्नेंट लोग जो जाते हैं, वहाँ एक कोरबो हॉस्पिटल है जो गायनो है, फिर बाद में हत्ती वाले का हॉस्पिटल है, यूनानी है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो है नहीं, दिन में एक मैं बोलता हूँ एक 10 लोग जो है प्रेग्नेंट लोग जो है वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी भी जो है ना तकलीफ नहीं हो रही, शायद हमना तकलीफ हुई हमें आई, अगर इसके बाद में भी अगर किसी और को भी तकलीफ हो रही तो हम लोगों के साथ में जुड़ो, इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करेंगे। इनिशियल हम जो है पुलिस स्टेशन तक आए, इसके बाद में एसपी ऑफिस जाते हैं, इसके बाद में हमारे पास तो कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट तक भी हम जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर पार्टी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर होते हैं, ये सारे लोग जो जिम्मेदार हैं, इन लोग पार्टी बनते हैं, इंसान इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए हमें प्रिपेयर हो गए। कॉन्ट्रैक्टर जो है देखो उसे चाबी दी, चाबी देखो जो है देखो कुलूप छुपा को छोड़े, ये जो है पूरी फेलियर जो है डिस्ट्रिक्ट एमएलए की, एमएलए की है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर बाद में कॉर्पोरेशन कमिश्नर की है। इन सारे लोग अगर अपनी जिम्मेदारी से अगर काम कराते तो शायद ये रोड जो है ना बहुत पहले बनती थी और ये लोगों की इतनी तकलीफ नहीं होती थी। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.